महापुर के दिन फिर लेते खा ले, लेते खा ले, लेते खा ले। कहते ओ दिन ज्यादा राजा दारू पी के मदिरा पान करके दिन सोम रस के दिन कहते दुर्जावन एक बार पे बाहुड़िया जगते छावा लपदिया ने लख जहान तो मंदे ने चंगे ने खेडन गईयां टुट गईयां मेरियां दूजा कोई रिश्ता दुनिया ते है ही। मैनू एक बचन याद आया, बाबा नानक जी महाराज कलेरा दी धरती ते बैठे लिखारी ने बड़ा सुना लिखा उन्हें लैण दी कारज बुढ़ी मां मां के पैर च जन्नत मुसलमान भी कही हमेशा बच्चे दियां गलतियां ते पड़दा पाउंदा घर दे विच सौ गल्लां हुंदियां जिन्हां ते पर्दे पा के रखदी है मां मां प्यार दा सूत्र हुंदा घर विच माफ करना सरपंच साहब बैठे ने इन्हां दे छोटे ब्रदर बैठे ने दुनिया आके सत्कार करदी है सरपंच साहब पर मां जिहड़ा छोटा जिहा नां लैंदी है ना जे बलजीत नूं कहिंदी है वे मीतिया जिहड़ी गुरजीत नूं कहिंदी है वे कीतिया ओह जिहड़ी छोटे नां दे विच ममता है बरकत है ओह वड्डे वड्डे नामां विच नहीं जिहड़ा मां ने छोटा जिहा नां लै लैणा ना हुण आपां कहिंदे सरपंच साहब नां लै के पूरा ते मां छोटे ना लेंदी है मेरे फलाने पुत नूं कह दे जा ओदी की मजाल मां ने कन्न मरोड़ के भी कम लै लैणा ते ओदे कन्न मरोड़न दे विच भी ममता है ओदे छोटे नाम विच भी ममता है साडे वड्डे वड्डे ना लैण विच अलंकार ला ला के भी ओना प्यार नहीं आउंदा आओ राजे महाराजे बण जाइए मामा दे तां पोती रहिंदे आ आओ अरदास करिए दादिया तेरा रूप मां कैलाश देवी मामा तो ते कले भुल गलती कोई होती भुल गलती दा असी कर मां दा सारी उम्र ही त्याग दी मूर्त है मैं कई बार सोचदा हूं सब तो पहला सवेरे उठदा कौन है मां सब तो पहला उठदी मां सारा दिन काम तो दे कर दी है सब तो बाद सौंदी है मां ते मैं कई बार सोचदा ना बंदे दा सिर दुखन लग जाए ना जिम्मेदार कह दिंदे ओ अज नहीं जाने के दिया सीरी नूं भेज दिया अज सेहत नहीं ठीक है अज मेरा सिर दुखदा है अज मैनूं बुखार है पर धाना होए मां जिहदा सिर भी दुखदा होवे बोल के सुनाउणा किहनूं उहने उहनूं पता मैं ही करना है मेरे पुत्तां वास्ते मैं ही करना सारा दिन मां ने एडी वड्डी कुर्बानी मां दी सवेरे सब तो पहला उठना कुछ दुखदा होवे सुखदा होवे
मूड ठीक होवे ना होवे उन्हें सारा दिन ही काम करता है। सादे कार भी झूठ है, सादे कारनु कला ने शिकोड़ा शिकोड़ा पेड़ा तो सर झूठ भी मांझ रही है। हाँ माँ माँ वर्गा कोई भी ते कई बार बच्चियाँ दिया गलतियाँ ते गाला भी माई खा लेती है सारा ही परिवार मिल इकत्र हो करके आत्म शांति दे वास्ते इलाही बाणी से साहिब पाठ दे जाप प्रारंभ करवाए। मित्र बाणी दे भोग पाए गए परंत खुले दीवाना विच सजे हुए दीवाना दे विच सतगुरु जीओ आप ने संगतां नूं खुले दर्शन दारे बख्श के निहाल किया। आप जी दर संगतां ने अंतिम अरदास हाजियां भरियां दाते प्रवान करनियां वाहेगुरु जी चरण जो बोले और खुशी शामिल होने खुशी बढ़ती है। ठीक है, चाहे ये एक समा बहुत नाजुक है पुत्रां वास्ते धीआं वास्ते परिवार वास्ते चाहे किन्नी भी उम्र की कोई माँ प्यो ना हो जाए क्योंकि इन्हों की उम्र 73-74 साल की सी किन्नी भी उम्र क्यों ना हो जाए उन्होंने जास्ते एक परिवार से बहुत बड़ा घाटा है। और परमात्मा श्री गुरु महाराज अगे बेनती अरदास है कि इस विछड़ी हुई को अपने निवास बचे और पिछे परिवार को और परिवार से संबंधित सारे रिश्तेदार संबंधियों मित्रों दोस्तों ये भाणा मनों का मल बख्शे। इन्ना ही कहता हुआ सब का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बेनती करूँगा जहेदार जाग सिंह जी गोलिया वाली वो इस परिवार वालों का बहुत डूंगा संबंध है। मैं एक गल होर करनी चाहना जहेदार जी जो बोलने तो पहला कि इलाके सरपंच पंच MLA बनना बहुत ही मेहनत ना बनाया जाता है परंतु ये मैं समझता कि नौजवान घट उम्र का सरपंच साहब दविंदर पाल सर्वसमति इस नगर के चुनिया गया। क्यों चुनिया गया? क्योंकि ये भी मैं समझा कि उन्होंने एक माता की खासियत सी ये इस परिवार की एक देन सी। इन्हें ही कहना हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। भैन जी कैलाश जेडे गुरु महाराज के चरणा जाप राजे ने ढींगड़ा साहब ने बहुत विस्तार में दसिया उन्होंने बारे कि परिवार प्यार करते लोग भी उन्होंने बहुत सत्कार से मान देते। मैं समझता हाँ आज जो कट नजर आ रहा है सियाने कहते हैं कि खिड़ी फुलवाड़ी का बूटे का बूटे की महक तो खुशबू तो पता लगता है क्यों जो राजा करदार अपनी बेइज्जती करवानी बहुत औखी है जी। महापुरख कहते फिर लिद खा ला लिद खा लिद खा कहते ओ दिन जाता राजा दारू पी के मदिरा पान करके दिन सोम रस कहते कहते सोम रस पी के एक बुक लिदा पे है एक बुक लिदा पे महापुरखों की सभा बनाएगी तेन सजा मिल सकती है जे भुल के भी मां तेरा कोई कोई ना मेरी
बाप को के दो अक्षर होते प्रागो के तभी दो अक्षर एक दो रिश्ते हो जाते जेड़े तीन अक्षर दे बंदे फुफड़ जी मासड़ जी ते मां सब तो छोटा आ कई बारी बुलारे जरो बोलदे ने ना कहंदे रब इतना बड़ा क्यों आए आओ सास सरदार जी एक पाकिस्तान दे लिखारी ने बड़ी सोहनी कविता लिखी जिहड़ी गुरबाणी ते टुकदी है दी है आओ सुनिया जावन एक बार ते बाबा लपिया गूड़िया जगते छावा लपदिया ने लख जगान तो मंदे ने चंगे ने मां नूं पुत ते माड़ा लगदा ही ते मां दी सिफत है कहते एक बार आई तू मां तू मार पै सैया नाल मैं खेडन गईया सैया नाल मैं खेडन गईया टुट गईया मेरिया बंगा वर्गा दूजा कोई रिश्ता दुनिया ते है ही मैंने एक बचन याद आया बाबा नानक जी महाराज कलेरा दी धरती ते बैठे कोई लाहौर तो दर्शन करने वास्ते बाबा जी कहंदे कित्थों आए किवें आए दर्शन वेले करना बाबा जी कहंदे घरे कहंदे फिर इत्थे की लैण आए इत्थे की लैण आए ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਿੰਕਰਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੰਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹੀ सारे पीर पैगंबर औलिए कित्थों आ गए मां ने पैदा कीते ताइयों मेरे बाबे नानक ने कह दिता सो क्यों बंदा आखी है ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਮੀਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਕੀਤਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਓ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੋਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ
सब तो पहला सवेरे उठता कौन है? मां। सब तो पहला उठती है मां। सारा दिन काम तो दे करती है, सब तो बाद में सौंदी है मां। ते मैं कई बार सोचता ना बंदे का सिर दुख लग जाए ना, जिम्मेदार कह देते हो अज नहीं जाने के दिया, सीरी नु भेज दिया, अज सेहत नहीं ठीक है, अज मेरा सिर दुखता है, अज मेनु बुखार है। पर धाना हो मां जिदा सिर भी दुखता हो, बोल के सुना कि पता मैं ही करना है, मेरे पुत्र वास्ते मैं ही करना है। सारा दिन मां ने एडी वड्डी कुर्बानी मां दी, सवेरे सब तो पहला उठना, कुछ दुखता होवे सुखता होवे मूड ठीक होवे ना होवे उन्हें सारा दिन ही काम करता। साडे घर दी जूठ साडे घर नूं पहला उन्हें छकाउणा छकाउणा पिआउणा ते साडी जूठ भी मांझ रही है। हां मां मां वरगा कोई नहीं। ते कई वार बच्चियां दीआं गलतियां ते गालां भी माई खा लैंदी, बच्चियां दी गलतियां ते गालां भी मां। मैनूं याद आ रिहा था बचपन, मेरे दादा जी सरदार सिंह जी बाहरले गुरुद्वारे मोला तो उन्होंने फोन किया, कहते जी सरपंच साहब दे कथा कीर्तन दी आओ सारिया संगतां तां राम कली महला तीजा आनंद पिया मेरी माए कहे नाल ते आनंद हुआ हर नाल रहो तो विसार ना तेरा काज सब सबाद ना दसे हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नाओ सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण तियाई साथ नाई हुए सहाय दसवें पातशाह साथ श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी साथ नाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान दार बोला जी वा जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया ध्यान कीता तना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान चरखड़ियां ते जड़े तन हारिया ना चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया संसंग नवाही तना दी कमाई दा ध्यान धार बोला जी वाहिगुरु गुरुद्वारियां दा ध्यान खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु आवे जित आवन का सबका सब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचियारे आए देव ते फताए बिद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय दान केस दान रहदान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पोंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोला जी वाहेगुरु वाहेगुरु सिखां दा मन नीवा मां पुची माता राखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु हे अकाल पुरख वाहेगुरु अपने बंदे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमानियां दे मां पवित्र चरण कमलां पास अरदास भले आवे नानका सदा उठी जाए दे मां वाका अनुसार बीबी कैलाश देवी मातलुक दे आए दिती हुई स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए आप जी दे चरण कमलां पास जाप राजे सतगुरु जीओ सारा ही परिवार मिल इकत्र हो करके आत्म शांति दे वास्ते इलाही बाणी सी साहिब पाठ दे जाप प्रारंभ करवाए मित्र बाणी दे भोग पाए गए परंत खुले दीवाना विच सजे हुए दीवाना दे विच सतगुरु जीओ आप ने संतां नूं खुले दर्शन दारी बख्श के निहाल कीता आप जी दर संतां ने अंतिम अरदास हाजियां भरियां दाते प्रवान करनियां वाहेगुरु जीओ दा इलाही बाणी दे शब्द गायन होए शब्द दी विचार होई सतगुरु जीओ शब्द दी सुनहार हो बख्श लैणियां इस बाणी दा फल महाहारियां दर ते प्रवान करो इलाही फरमान बख्श के निहाल करो सही गुरमुख प्यारा मेल जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चित आवे नानक नाम चढ़ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया साहब सिखण को हुकम है गुरु मानिया गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट पुरा की जो प्राप्त मिलव शरण जो बोले
ਸ਼ੁਭਮਈ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਕਲਾ ਸੰਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਏ ਭੈਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਦੌਲਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚਾਹੇ ਸੇਠ ਮੁਕੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਲਾ ਸੰਤੀ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਠੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਫਰਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੈਸਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਹਿਰਦਾਰ ਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲੋਟ, ਸੈਲਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲੋਟ, ਕਰਿਆਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲੋਟ ਜੋ ਕਿ ਪਵਨ ਸੇਠੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ठीक है, चाहे ये एक समा बहुत नाजुक है पुत्रां वास्ते धियां वास्ते परिवार वास्ते, चाहे किन्नी भी उम्र की कोई माँ प्यो ना हो जाए, क्योंकि इन्हों की उम्र 73-74 साल की सी, किन्नी भी उम्र क्यों ना हो जाए उन्होंने जाते एक परिवार से बहुत बड़ा घाटा है। और परमात्मा श्री गुरु महाराज के बेनती अरदास है कि इस विछड़ी हुई रूह अपने चरणों में निवास बचे और पिछे परिवार को और परिवार से संबंधित सारे रिश्तेदार संबंधियों मित्रों दोस्तों ये भाणा मनों का मल बख्शे। इन्ना ही कहता हुआ सब का तुम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करूँगा जहेदार दयाल सिंह जी गोलियां वाली वो इस परिवार वालों का बहुत डूंगा संबंध है। मैं एक गल होर करनी चाहना जहेदार जी जो बोलने तो पहला कि इलाके सरपंच पंच MLA बनना बहुत ही मेहनत ना मनाया जाता, परंतु ये मैं समझा कि नौजवान घट उम्र का सरपंच साहब दविंदरपाल सर्वसंमति नाल संलग्न के रूप में चुनिया गया। क्यों चुनिया गया? क्योंकि ये भी मैं समझा कि उन्होंने एक माता की खासियत सी, ये इस परिवार की एक देन सी। इन्हें ही कहना होया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का। अदब अते सत्कार जो हाजर नाजर जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठे साध संगत जी फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिहा चीनी लिखिया तिहा हुक्म कमाए कले आए नानका सदे उठी जाए। महावाका अनुसार अज भैन जी कैलाश जेडे गुरु महाराज के चरणा जाप राजे ने ढीगड़ा साहब ने बहुत विस्तार में दसिया उन्होंने बारे कि परिवारों नाल प्यार करते सी ते लोग भी उन्होंने बहुत सत्कार ते मान देते सी। मैं समझता हाँ आज जो कठ नज़र आ रहा है सियाने कहते हैं कि खिड़ी फलवाड़ी का बूटे का बूटे की महक तो खुशबू तो पता लगता है, क्यों जो उन्होंने परिवार को पाल पोस के परिवार से आशीर्वाद रखा। और आज सारी संगत किड्डी वड्डी गिनती में उन्होंने अंतम अरदास में शामिल हुई है। बहुत दुख मनाया है सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने परिवार का दुख साझा किया। अज भी उन्होंने पहुंचना सी और चेचे तौर पर उन्होंने कहा कि जथेदार जी मेरे तो पहुंचा नहीं जाना, सारी संगत और परिवार तो तुसी माफी मंग लेनी, फिर घरे आके मैं दुख साझा करके जावांगा। किन्ना प्यार है सारी संगत का इस परिवार नाल, मेरा भी बहुत गहरा प्यार है, क्योंकि जो सरपंच साहब उन्हों का परिवार किन्ना प्यार करते ने, असी गुरु महाराज के अरदास करते हाँ सारे ही लीडरशिप चाहे वह किसी पार्टी का संबंध रखता हो आईए सारे का मैं धन्यवाद भी करता हाँ। सियाने कहते हैं खुशी मनाया वादी है दुख मनाया घटता है। तुसा सारे ने इस परिवार नाल दुख साझा किया है, परिवार का दुख घटाया है,
मैं सारी संगत का धन्यवाद भी करता हाँ, गुरु महाराज अगे अरदास करता हाँ कि परमात्मा भैन जी कैलाश को अपने चरणा निवास दे, पिछे परिवार को साख संबंधियों को भाणा मनन का बल बख्शन। वाहेगुरु जी सेठ राजकुमार जी और उन्होंने बच्चे और इस परिवार का जिते उन्हों का ये साझा तिला आपके परिवार का भी रहा तो उस परिवार को भी इन्होंने सारी उम्र अपने औलाद की तरह वरत्या। मैं इन्ना ही कहता हुआ हम बेनती करूँगा कि तुम सब लोगों ने इतने आए हो जिन्होंने लंगर पानी चा